इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैचेस में माई 11 सर्कल पर बनाए अपनी टीम और जीते 50 लाख तक का कैश। वीवीएस लक्ष्मण की टीम को हराएं और जीते 5 गुना कैश। लाइव चैट में दिए गए पहले लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल ऐप और पाएं 1500 रुपए तक का बोनस और एक्सक्लूसिव 20% का कैशबैक। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में जीत हासिल करने के बाद भारत ने आईसीसी वर्ल्ड कप वनडे सुपर लीग में मारी लंबी छलांग, अब पहुंची इस स्थान पर, भारतीय टीम को मिली बड़ी खुशखबरी। तो ऐसे में दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार पॉइंट्स टेबल में अब भारतीय टीम कौन से स्थान पर पहुंच गई और कैसे भारतीय टीम को काफी बड़ा फायदा हुआ है। तो आप सभी इस खबर को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, यहां पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि सचिन, बद्रीनाथ, यूसुफ पठान और इरफान पठान के बाद अब भारतीय टीम के कप्तान हुए इस महामारी से संक्रमित। जानने के बाद नाम आप भी जरूर रह जाओगे हैरान। तो दोस्तों, इस बड़ी खबर के बारे में भी बताएंगे और वहीं जो क्रिकेट की काफी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में भी जानेंगे। तो आप इन सभी खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों को दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का। तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंग्लैंड के खिलाफ रविवार को खेले गए तीसरे वनडे मैच में मिली 7 रन की जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग की अंक तालिका में काफी लंबी छलांग मारी है। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं, ये जो 3 मैचों की वनडे सीरीज भारत और इंग्लैंड के बीच में खेली गई, जहां पर पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल करी थी, तो वहीं दूसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने वापसी करते हुए भारतीय टीम को हराया था। हालांकि दोस्तों, तीसरा वनडे मुकाबले को 7 रन से जीत कर इसी के साथ भारतीय टीम ने 2-1 से इस श्रृंखला को अपने नाम कर लिया और इंग्लैंड की टीम को ना तो टेस्ट सीरीज, ना तो टी20 सीरीज और ना ही वनडे सीरीज अपने घर ले जाने दी। यहाँ पर मेहमान टीम इंग्लैंड आई तो भारत में, लेकिन कुछ भी यहाँ से लेकर नहीं जा पाई, जिसके चलते अब भारतीय टीम पूरे विश्व में सबसे टॉप की टीमों को हराने का भी अब जज्बा रखती है। तो इसी बीच दोस्तों, हम आपको बताएं, जो आईसीसी वर्ल्ड कप वनडे सुपर लीग है तो उसमें अगर आप गौर करोगे तो इस बार आईसीसी के कुल 12 फुल टाइम मेंबर समेत 13 देश सुपर लीग में खेल रहे हैं, जहाँ पर हर टीम को 24-24 मैचेस खेलने हैं। और वहीं दोस्तों, हम आपको बताएं, जो क्रिकेट सुपर लीग है वो 31 मार्च 2022 तक चलेगी, जहाँ पर हर टीमों को 8 टीमों से 3-3 मैच की सीरीज खेलनी है, 4 अपने देश में और 4 विदेश में मैच खेले जाएंगे। तो वहीं हम आपको ये भी बता दें कि ये जो सुपर लीग होगी उससे ही तय होगा कि साल 2023 के वनडे विश्व कप में खेलने वाली वो कौन सी 10 टीमें होंगी जो कि टॉप के स्थान पर रहेंगी, जिनकी मेजबानी इस बार भारत करने वाला है। तो हालांकि दोस्तों, अगर हम नजर डालें इस सुपर लीग पॉइंट्स टेबल पर, तो जैसा कि आप सब यहां पर देख सकते हो, पहले नंबर पर नाम निकल कर आता है इंग्लैंड की टीम का, जहां पर इंग्लैंड की टीम ने 9 मैचों में 4 में जीत हासिल करी और 5 मुकाबले हार कर वो 40 अंकों के साथ टॉप के स्थान पर बनी हुई है। हालांकि उनका नेट रन रेट काफी ज्यादा अच्छा है, जिसके चलते वो पहले स्थान पर है। तो वही दोस्तों, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है 6 मैच खेलकर 4 जीत के साथ और इनके भी पॉइंट्स 40 हैं, लेकिन दोस्तों यहां पर इनका नेट रन रेट इंग्लैंड की टीम से कम है, जिसके चलते दूसरे नंबर पर। और इसी तरह से तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है, चौथे नंबर पर अफगानिस्तान, पांचवे नंबर पर बांग्लादेश, छठे नंबर पर वेस्ट इंडीज और हां दोस्तों, यहां पर भारतीय टीम का स्थान थोड़ा देखने वाला है, जहां पर भारतीय टीम ने पाकिस्तान की टीम को पीछे छोड़ते हुए 6 मैचों में से 3 वनडे मैच जीते हैं और 3 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और 29 पॉइंट्स अब भारतीय टीम के हैं, जहां पर -1 पॉइंट उनकी स्लो ओवर रेटिंग की वजह से हुआ है। हालांकि दोस्तों, भारतीय टीम का यहां पर नेट रन रेट काफी ज्यादा बेकार है, जिसके चलते 7वें नंबर पर भारतीय टीम आ चुकी है। हालांकि दोस्तों, अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस पॉइंट टेबल को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम 7वें स्थान से टॉप के स्थान पर पहुंच पाएगी वर्ल्ड कप वनडे सुपर लीग में या फिर नहीं। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहीं चलिए, अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि सचिन, बद्रीनाथ, यूसुफ और इरफान पठान के बाद भारतीय टीम के कप्तान हुए इस महामारी से संक्रमित। जी हां दोस्तों, महिला विश्व टी20 टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर को इस महामारी से संक्रमित पाया गया है, जहां पर हरमनप्रीत कौर इस महामारी में पॉजिटिव पाई गई हैं और पॉजिटिव पाई जाने वाली पहली भारतीय महिला एक्टिव क्रिकेटर बनी है। तो वहीं दाएं हाथ की बल्लेबाज कौर के करीबी सूत्रों ने जानकारी दी है कि हरमनप्रीत कौर को इस महामारी से जूझना पड़ रहा है और उन्होंने खुद को होम क्वारंटाइन किया हुआ है और हरमनप्रीत कौर हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज खेलने के लिए उतरी थी, जिसके दौरान उन्हें यह सब हुआ। लेकिन अब
आपकी क्या राय है इनके बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच में 4 मैचों की टेस्ट सीरीज, 5 मैचों की टी20 सीरीज और 3 मैचों की ओडीआई सीरीज का पूरा कार्यक्रम अब खत्म हो चुका है। जहां पर जनवरी से शुरू हुई इन सभी सीरीजों में भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल करी। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम ने 3-1 से वो सीरीज अपने नाम करी थी। तो वहीं दूसरी तरफ टी20 सीरीज को 3-2 से अपने नाम कर भारतीय टीम ने इतिहास रचा था। और साथ में 3 मैचों की वनडे सीरीज दूसरी तरफ मेहमान इंग्लैंड की टीम को भी हराकर भारतीय टीम ने ये बता दिया पूरी दुनिया को कि भारतीय टीम सबसे ज्यादा मजबूत टीम पूरे विश्व की बन चुकी है। तो वहीं दोस्तों अब हम आपको बताएं, भारत और इंग्लैंड की सीरीज के बाद अब भारत और श्रीलंका के बीच में सीरीजें खेली जाने वाली है। जी हां दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना, बीसीसीआई ने इसके बारे में भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि भारत और श्रीलंका के बीच में 5 मैचों की टी20 सीरीज और 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेली जाएगी। और वहीं दोस्तों ये सभी कार्यक्रम श्रीलंका के मैदानों पर ही करवाए जाएंगे। जी हां, यह भारत में नहीं बल्कि श्रीलंका में सीरीजें होंगी। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं, ये जो ओडीआई सीरीज और टी20 सीरीज खेली जाएगी वो आप सभी लाइव अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर हॉटस्टार ऐप और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के चैनल पर देख सकोगे। और वहीं दोस्तों बीसीसीआई ने जो कार्यक्रम घोषित किया उसके अकॉर्डिंग पहले ओडीआई सीरीज खेली जाएगी और उसके बाद 5 मैचों की टी20 सीरीज होगी। तो वहीं जो ओडीआई सीरीज का कार्यक्रम घोषित किया गया है वो 14 जून को पहला वनडे मुकाबला खेला जाएगा। तो वहीं दोस्तों दूसरा वनडे मुकाबला कुल 2 दिन बाद होगा और तीसरे वनडे मुकाबले में 1 दिन का गैप रखा जाएगा। तो वहीं दोस्तों बात करें 5 मैचों की टी20, जडेजा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये सभी खिलाड़ी भी शामिल होंगे। तो ऐसे में दोस्तों अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम जाकर वहां पर इन दोनों ही सीरीजों को अपने नाम कर पाएगी या फिर नहीं। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, रोहित शर्मा के लिए अपना दिल खोलकर काफी बड़ी बड़ी बातें बोली है। तो आइए चलिए अब हम आपको बताते हैं कि रोहित शर्मा की कप्तानी के ऊपर महेंद्र सिंह धोनी ने क्या बोला। दोस्तों यहाँ पर धोनी सामने आते हैं और कहते हैं कि क्या ही शानदार जीत थी भारत ने, जिस तरह की लय इस गेंदबाजी में, थोड़ा टी नटराजन से मैं निराश हूँ लेकिन भुवनेश्वर कुमार और शार्दुल ठाकुर ने जिस तरह की गेंदबाजी करी वो काबिले तारीफ है। शार्दुल ठाकुर शुरुआत में भले ही रन बरसवाते हैं लेकिन जो वो विकेट हासिल करते हैं तो उसके बाद मैच पूरी तरीके से बदल जाता है, जिसे देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। लेकिन खैर अंतिम ओवर में जब मैच पहुंच गया था तो जिस तरह से कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आपस में सलाह कर टी नटराजन को गेंदबाजी थमाई, उसके बारे में क्या ही कहना। ऐसा नजारा काफी कम देखने के लिए मिलता है, जब कोई टीम का कप्तान उप कप्तान से ऐसी सलाह ले और उसके बाद उसकी सलाह को मादा तारीफ करी और ये भी बताया कि अंतिम क्षणों में उन्हें फैसले लेने आते हैं और वो ठंडे दिमाग से सोचने का काम करते हैं अंतिम क्षणों में। तो ऐसे में दोस्तों अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि महेंद्र सिंह धोनी के इस बयान को जानने के बाद आपकी क्या राय है धोनी के बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो खत्म होने से पहले आप भी एक्स्ट्रा 20% कैश के लिए अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर डाउनलोड कीजिए माई 11 सर्कल ऐप को। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।